आज जो मशीन बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो शायद आपने ये मशीन आगे कभी नहीं देखा होगा। ये है समोसा पट्टी का ऑटोमेटिक मशीन। इसके अंदर समोसा पट्टी ऑटोमेटिक तैयार होके बाहर निकल जाती है। चलिए तो दिखाते हैं एक किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले गुथे हुए मैदे को इस तरह से ऊपर में अंदर डाल देना है, ऑटोमेटिक समोसा पट्टी तैयार हो जाएगी। इसके अंदर जो हमने मैदा डाला हुआ है, जो आप देख रहे हो, वो ऑटोमेटिक स्प्रिंकल होगा। ये स्प्रिंकल करने का रीजन ये है कि ऑटोमेटिक जो समोसा पट्टी बन के आएगी वो एक दूसरे के ऊपर चिपके नहीं। ये ऑटोमेटिक सूखा मैदा ऑटोमेटिक आगे जाएगा। इसमें सिस्टम ऐसा भी है, अगर आपको ज्यादा सूखा मैदा लगाना है तो ज्यादा भी कर सकते हो, कम लगाना है तो कम भी लगा सकते हो। यहाँ पे थिकनेस एडजस्ट करने का हमने सिस्टम दिया हुआ है, तीनों रोलर में दे दिया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये तीनों रोलर में आप थिकनेस एडजस्ट कर सकते हो। दूसरे में थोड़ा बड़ा निकलेगा और तीसरे में आप देख सकते हो एकदम पतला फिनिशिंग निकलेगा। और जो साइड का कतरन है, ऑटोमेटिक ट्रे हमने दिया हुआ है, उसके अंदर इकट्ठा होगा और ये जो पट्टा है ऑटोमेटिक बेकिंग मशीन के अंदर चला जाएगा। अब हम आपको तीनों मशीन का रोलर का व्यू दिखाते हैं, किस तरह से वर्क करता है मशीन। देखिए, फर्स्ट बार बेल रहा है, सेकंड बार बेल रहा है और थर्ड बार बेल रहा है। तीसरी बार में एकदम पतला पट्टा निकल रहा है। इसमें आप बड़ा या छोटा जैसा चाहो वैसा पट्टी निकाल सकते हो। ये बेकिंग में जा रहा है, बेकिंग में हमने ऐसा बर्नर दिया हुआ है। इसके अंदर जो भी आपको ज्यादा बर्नर कम बर्नर करना है तो आप अंदर सिस्टम दिया हुआ है, अपने हिसाब से ज्यादा पट्टी को सेकाई करना है तो ज्यादा कर सकते हो, कम करना है तो कम कर सकते हो। देखिए, पूरा SS304 का बेल्ट बना हुआ है। इसमें से सेक के आएगा पट्टा और यहाँ पे प्रेस होगा और उसके बाद यहाँ पे कटिंग होगा। ये हमने SS का कटर मशीन रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पट्टे कट होके आ जाएंगे, इसको फिर आपको उठाना है। आप देख सकते हैं अकेला ये आदमी, एक ही आदमी पूरे मशीन को किस तरह से आसानी से हैंडल कर रहा है, किस तरह से आसानी से चला रहा है। तो एक ही आदमी चाहिए मशीन को चलाने के लिए, ज्यादा आदमी नहीं चाहिए। ये पट्टे को इस तरह से कलेक्ट करना है, कलेक्ट करने के बाद इसको मैन्युअली काटना है। हम आपको काट के भी दिखाएंगे एक बार इसको कलेक्ट कर ले। और अभी ये मशीन का स्पीड एकदम स्लो रखा हुआ है, क्योंकि आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाए इसके लिए हमने मशीन अभी स्लो चला रहे। इसमें मशीन का स्पीड ज्यादा भी कर सकते, अगर ज्यादा प्रोडक्शन निकालना है तो आप ज्यादा भी कर सकते। ये जो पट्टा निकल के आया है, इसका प्रिसीजन देख सकते आप किस तरह एकदम स्मूथ प्रिसीजन आया हुआ है। ये जो समोसा का पट्टी का पट्टा जो निकल के आ रहा है, उसका परफेक्शन देख सकते हैं आप किस तरह से एकदम परफेक्शन हुआ पट्टी निकला हुआ है। इसमें देखिए, आप छोटे छोटे पीस भी कटिंग करने हैं तो आप कर सकते हो। इस तरह छोटे छोटे पीस भी ऑटोमेटिक कटिंग हो जाएगा। सिर्फ आपको जो डाई है वो डाई आपको छोटा बिठाना है, वो कंपनी जैक्सन कंपनी से आपको ये डाई मिल जाएगा। देखिए, इस तरह हाथ से भी आप कटिंग कर सकते हो, अपने हिसाब साइज भी कटिंग कर सकते हो। मतलब आप मशीन में भी कटिंग ऑटोमेटिक कर सकते हो और आप हाथ से भी चाहो तो कटिंग कर सकते हो। अब हम आपको ये में लेके पट्टी का परफेक्शन दिखाएंगे। ये मैं एक पट्टी आपको लेके इसका परफेक्शन दिखाता हूँ, किस तरह एकदम पतला आर पार हाथ दिख रहा है। देखिए, ये जो पट्टी है वो अभी टूटेगी नहीं, क्योंकि अभी बेकिंग हो चुकी है। अभी वापस मशीन पे जाते हैं। ये समोसा पट्टी में आपको जो भी साइज चाहिए वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो और वो साइज आपको जैक्सन समोसा मशीन से मिल जाएगी। एकदम परफेक्टली कटिंग हो रहा है। अभी हम इसको उठा के हम सारी की सारी पट्टी आपको दिखाते हैं हाथ में लेके। देखिए, किस तरह से पट्टी हमने काटी है और किस तरह से बनाई है। इसको आप फ्रोजन करके भी बेच सकते हैं होलसेल में, दुकानदार भी आपके पास से रिटेल में ले सकते हैं इसको। आप अगर अच्छा क्वालिटी बना रहे हो तो आप मॉल वगैरह में भी आप दे सकते हैं। देखिए, हम हाथ में लेके दिखा रहे हैं एक एक पट्टी, कितना एकदम सारी की सारी पट्टी एक जैसी बनी है, जैक्सन मशीन से बनाई हुई है। इसके लिए सारी पट्टी एक जैसी आ रही है। अगर हाथ से बनाते हो तो पट्टी छोटी बड़ी आ जाती है। अगर आप मैन्युअली गैस से करते हो तो कोई पट्टी जल जाती है, कोई कच्ची रहती है। मशीन से होती है तो सारी की सारी पट्टी जैसे सीखती है। आपको समोसा पट्टी के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो जैक्सन समोसा मशीन में आप कॉल कर सकते हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।